गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपना नया टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ रखा था स्पैनिंग मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स और कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ रखा था, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लिखा है सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। इसका मतलब है कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमारा जो सेल हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है, उसके बीच में, उसके और जो हमारा बॉर्डर है उसके बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, हमारा जो भी कंटेंट हम एक सेल के में लिखते हैं वो सेल के बीच में उस बॉर्डर से कितना डिस्टेंस पर होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, ये हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, लिखा हुआ है विद द सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट, यानी कि सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट के साथ यू विल बी एबल टू एडजस्ट द स्पेसिंग बिटवीन टेबल सेल्स, यानी कि आप किन्हीं दो सेल्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए इन्हें आप मैनेज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेटिंग द सेल पैडिंग एट्रीब्यूट डिटरमाइंस हाउ मच स्पेस विल एग्जिस्ट बिटवीन अ टेबल सेल बॉर्डर एंड द एलिमेंट कंटेंट विद इन इट, यानी कि सेल पैडिंग एट्रीब्यूट को जब भी हम सेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो ये एक टेबल सेल का जो बॉर्डर होता है और जो एलिमेंट यानी जो कंटेंट हम उसमें लिख रहे हैं उस कंटेंट के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, कितने स्पेस के बाद वो लिखना चाहिए, ये चीज़ भी हम किसके थ्रू करते हैं, सेल पैडिंग या सेल स्पेसिंग के थ्रू, ठीक है। वेयर एज सेल स्पेसिंग डिटरमाइंस हाउ मच स्पेस विल एग्जिस्ट बिटवीन ईच टेबल सेल, सेल स्पेसिंग आपका ये भी डिटरमाइन करता है, यानी ये भी स्पेसिफाई करता है कि हर एक टेबल के बीच में, यानी जो भी जितना सेल है, जितना सेल के में कंटेंट है, ठीक है, या जो बॉर्डर है सेल, जो एक टेबल का बॉर्डर है उसके बीच में भी कितना स्पेस होना चाहिए, वो भी हमारे हम किसके थ्रू देखते हैं, सेल पैडिंग के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार पहले देखते हैं कैसे हम किस तरह से लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कोडिंग लिखा हुआ है टेबल बॉर्डर वन, हमें पता है कि हमने बॉर्डर विजिबल करने के लिए वन का यूज़ करते हैं, ठीक है, टेबल बॉर्डर विजिबल करने के लिए वन का यूज़ करते हैं। इसी के जस्ट बगल में ही सेल स्पेसिंग हमने दे रखा है 10, ठीक है, सेल स्पेसिंग यानी 10 दे रखा है, 10 अमाउंट दे रखा है। बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर हमने आरजीबी और ये एक नंबर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए रेड ग्रीन ब्लू, रेड का 0, ब्लू का 0 और ग्रीन का 255 दे रखा है, यानी हमारा जो कलर बैकग्राउंड कलर होगा वो कौन सा होगा, ग्रीन होगा, ठीक है, जिसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, ग्रीन कलर में आ जाएगा। अब देखिए ये TR हमने टेबल एक रो के अंदर टेबल डेटा अपने दे दिया, दूसरे रो के अंदर अपना टेबल डेटा दे दिया और सेल ये लिख दिया। फिर यहाँ पर देखिए तीसरे रो के अंदर, ये देखिए ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं किस तरह से हम रो के अंदर अपना टेबल का डेटा देते हैं, पहले टेबल रो फिर टेबल डेटा, ठीक है। अब देखिए इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एक टेबल हमने जो क्रिएट किया था उस टेबल में देखिए बीच बीच में यहाँ पर कहाँ इनके बीच में एक दो सेल के बीच में कितना स्पेस हो रहा है, ये जो स्पेस बीच में आपको दिख रहा है इन दो सेल्स के बीच में कितना स्पेस हो रहा है, और साथ ही साथ इन दो कॉलम्स के बीच में, इन दो सेल्स के बीच में भी कितना स्पेस हो रहा है वो भी दिख रहा है। इसके साथ साथ आपको क्या दिख रहा है, ये जो यहाँ पर है देखिए कॉलम वन, ये देखिए इसके बीच में जितना स्पेस दिया गया यहाँ पर ये भी आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग के थ्रू हम क्या डिफाइन करते हैं, किस तरीके से कितना सेल के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, सेल के कंटेंट्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए उस सेल से, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम किसके थ्रू डिफाइन करते हैं, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग के थ्रू, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है नाउ वी विल चेंज द सेल पैडिंग ऑफ द टेबल एंड रिमूव द सेल स्पेसिंग फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल, अब यहाँ पर इसमें हमने सेल स्पेसिंग देखा था, यहाँ पर हम सेल पैडिंग देख रहे हैं, ठीक है। अब सेल पैडिंग देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए सेल स्पेसिंग 10 हम दी था, इस पर यहाँ पर हमने सेल स्पेसिंग हटा के सेल पैडिंग को 10 दे दिया, ठीक है। अब बाकी आपका पूरा डेटा हम कैसे लिखेंगे, अपने रो के अंदर डेटा कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए क्या इफेक्ट दे रहा है यहाँ पर, किस तरीके से सारा, देखिए इसमें देखिए आपको सीधे सीधे पूरा पूरा का पूरा टेबल विजिबल हो रहा है, ठीक, सेल विजिबल हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं इन दोनों के बीच में, इन दोनों सेल के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इन दोनों सेल के बीच में एक बॉर्डर लाइन की तरह आ रहा है, ठीक, यानी इन दोनों सेल के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब सेल पैडिंग जब हम यूज़ करें तो हमारे सेल के बीच का डिफरेंस हट जा रहा है, ठीक है, और जब हम सेल स्पेसिंग यूज़ कर रहे हैं तो हमारे इसके कंटेंट और जो हमारा सेल का बॉर्डर है इसके बीच की स्पेसिंग को शो कर रहा है, ठीक है।
ध्यान से एक बार और देखेंगे, जब भी हम सेल पैडिंग का यूज़ कर रहे हैं तो सेल पैडिंग में देखिए हमारा जो जो सेल है, सेल के बीच की डिस्टेंस जो है वो थोड़ी थोड़ी कम हो जा रही है और हमारा जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा श्रिंक हो गया है टेबल का। बट जो यहाँ पर जब भी हम सेल स्पेसिंग यूज़ कर रहे हैं तो हमारे सेल और कंटेंट के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, किस तरीके से, वो हम देख किसके थ्रू देखते हैं, सेल स्पेसिंग के थ्रू देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर टेबल हाइट एंड विथ। अब टेबल की हाइट और विथ हम किस तरह से सेट करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा यू कैन सेट अ टेबल विथ एंड हाइट यूजिंग द विथ एंड हाइट एट्रीब्यूट, यानी विथ एंड हाइट एट्रीब्यूट के साथ हम हाइट और विथ देख सकते हैं, एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। यू कैन स्पेसिफाई टेबल विथ और हाइट इन टर्म्स ऑफ इंटीजर वैल्यू और इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्क्रीन साइज, स्क्रीन एरिया, ठीक है। यानी कि आपको जब भी टेबल की हाइट या विड्थ सेट करना होगा तो आप कैसे सेट करेंगे, या तो आप इंटीजर वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे किसी, ठीक है, अपने टेबल को सेट करने के लिए, या फिर जितनी आपकी स्क्रीन विजिबल होती है उस स्क्रीन के कितने परसेंट अमाउंट में, कितने परसेंट स्क्रीन पर आप अपना टेबल विजिबल करना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है टेबल बॉर्डर, एग्जाम्पल देखते हैं, टेबल बॉर्डर हमने 1 रख दिया, विड्थ हमने 400 एंड हाइट 150 रख दिया, और उसके बाद हमने अपने टेबल में, टेबल अपने दोनों रो में और अपना डेटा इंक्लूड कर दिया। अब देखिए, देख सकते हैं आपका जो सेल का विड्थ और हाइट हमने दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट हमारे HTML पेज पर शो होने लगेगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर इस तरह से हमें यहाँ पर शो होने लगेगा क्या, हमारा, हमारे हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग हमारा जो HTML पेज है वो दिखने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HTML द BG कलर एट्रीब्यूट, यानी कि बैकग्राउंड कलर हम किस तरह से सेट करते हैं। अब इसके पहले हमने देखा था जब भी हम बैकग्राउंड कलर सेट करते तो हम एक नंबर स्पेसिफाई करते, तो जब भी हम कोई वेब डिज़ाइनिंग करते, कोई वेब पेज बनाते तो वहाँ पर हम एक नंबर स्पेसिफाई करते हैं, हमारे कलर्स का एक नंबर होता है, उन नंबर्स को हम स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, तो और उन्हीं के अकॉर्डिंग अपना बैकग्राउंड कलर हम सेट करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है था BG कलर एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन HTML एलिमेंट, यानी कि बैकग्राउंड कलर BG कलर जो आप यूज़ करते हैं वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, HTML एलिमेंट के बैकग्राउंड को, के कलर को सेट करने के लिए, ठीक है। BG कलर इज वन ऑफ दोज एट्रीब्यूट दैट हैज़ बिकम डेप्रिकेटेड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSS, यानी कि बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट आपका CSS, यानी जो मैंने बताया था कैस्केडिंग स्टाइल शीट, उसका एक ऐसा एलिमेंट है जो कि, उसका एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि कभी भी हम CSS से अलग नहीं कर सकते। अपने CSS को, अपने HTML पेज को काफ़ी इफेक्टिव बनाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, इस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इसका सिंटैक्स होगा हमारे पास HTML BG कलर और कोड, यहाँ पर हमने बॉडी BG कलर और कलर नेम डाल दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर आ जाइए, लिखा हुआ जैसे देख सकते हैं एक बार, यहाँ पर दिखा टाइप द फॉलोइंग कोड एंड सी द रिजल्ट, यानी बॉडी का BG कलर हम, बैकग्राउंड कलर हमने सिल्वर दे दिया यहाँ पर, दिस पेज नाउ हैज़ अ सिल्वर बैकग्राउंड, और फिर हमने बॉडी क्लोज कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जो भी बैकग्राउंड कलर होगा हमारा, जितना भी बॉडी में सेक्शन में हमने जो लिखा होगा वो सबका कलर क्या होगा, बैकग्राउंड हो जाएगा, कलर बैकग्राउंड आपका क्या होगा, सिल्वर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ कलर्स आपको दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर वेब कलर्स दिए गए हैं। आप जब भी HTML पेज यूज़ करते हैं या फिर वेब डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसमें कुछ कलर स्पेसिफाई करने होते हैं और उनके एक नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कलर नेम और कलर कोड दिया गया है, तो जैसे ब्लैक का दिया गया है #0000000, यानी 6 times 0 दिया है आपका, ठीक है। येलो के लिए हम किस कलर का यूज़ कर रहे हैं, #4 times F and 00। रेड के लिए 2 times F and 4 times 0। इसी तरीके से देखिए आपका मरून, सिल्वर, सियान, ब्लू, नेवी, ग्रे, लाइम ग्रीन, ऑलिव, वाइट, मैजेंटा, पर्पल एंड ऑरेंज, इन सब का, यानी 16 टाइप का बेसिक HTML जो कलर होता है आपका वो यहाँ पर शो किया गया है, उसकी नंबरिंग यहाँ पर शो की गई है, ठीक है। इन्हीं नंबरिंग का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इन नंबरिंग का यूज़ करके हम अपना जो बैकग्राउंड कलर होता है वो सेट करते हैं, अगर हमें बेसिकली यही कलर चाहिए होंगे तो, ठीक है। अब इसकी कोडिंग जैसे हमने अभी इसके पहले पढ़ा, देखिए लिखा हुआ है टेबल BG कलर इक्वल टू FF 4 times 0 हैश के साथ, यानी ये केस को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपके येलो कलर को, ठीक है। फिर बॉर्डर आपने बंद दे दिया, अब ये येलो कलर को शो कर रहा है, ठीक।
फिर आपने टेबल डेटा को लिख दिया, टेबल डेटा, ये टेबल डेटा आपने इसमें लिख दिया हेक्साडेसिमल वैल्यूज, और उसका कलर भी आपने येलो शो कर दिया। ठीक, इसके बाद सर यहाँ पर देखिए ये एफ एफ फोर टाइम ज़ीरो, इसकी वैल्यू रेड है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर आपने रेड रेड कलर शो किया ना, यहाँ पर ये येलो नहीं, ये रेड है। ठीक है, रेड कलर शो किया आपने, तो देखिए आपका जो आउटपुट आएगा ये यहाँ पर रेड कलर में आ रहा है जो भी आपने लिखा हुआ है। इसी तरीके से ब्लू कलर का आपने लिखा यहाँ पर, ठीक, ब्लू कलर टेबल बैकग्राउंड यूजिंग न्यूमेरिक आरजीबी वैल्यूज आपने लिखा। अब रेड ग्रीन ब्लू, अब जिस इसमें से जितनी जिसकी वैल्यू यानी जिस कलर में हम चाहते हैं कि वैल्यू आए हमारे पास, उसकी वैल्यू को हम 255 कर देते हैं, बाकी दोनों की वैल्यू को हमने जीरो कर दिया। इस वजह से यहाँ पर कौन सा कलर शो होगा, हमें ब्लू कलर शो होगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पर ग्रीन कलर की कोडिंग कर रखी है। तो इस इन्हीं तरीक़ों से इस कोडिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना जो HTML पेज का जो बैकग्राउंड होता है हम उसे स्पेसिफाई करते हैं, उसे सेट करते हैं। ठीक है,